गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग अगस्त माह के दूसरे करेंट अफेयर्स क्लासेस को देखेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी देखें और देखने के साथ साथ अगर नए हैं तो प्लीज क्लास को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करते रहें। तो इसी के साथ डेली आपको जो है वो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंट के मिलते हैं जो आपके लिए काफ़ी जो है वो परीक्षा में सहयोगी होंगे। इसलिए आप सभी इसे देखें और अपने करेंट को मजबूत करते रहें। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखेंगे कि 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2022, अभी तक आपको पता था कि 48 जो थे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना थे, उनके जगह पे नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नियुक्त करने के लिए सिफारिश एनवी रमना के द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखेंगे कि जस्टिस उदय उमेश ललित जो है वो आपके 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ध्यान रखिएगा एनवी रमना जो कि 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इन्होंने इनकी नियुक्ति की सिफारिश किया है क्योंकि यह अभी आपका सर्वोच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश थे। तो इनकी नियुक्ति जो है वो 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किया जाएगा। ध्यान रखेंगे इनका कार्यकाल बहुत छोटा है, 27 अगस्त की इनकी नियुक्ति होगी और 8 नवंबर को ये सेवानिवृत्त होंगे। मात्र 74 दिनों के लिए चीफ जस्टिस रहेंगे इंडिया का। तो ध्यान रखना है आप सभी को। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगला कौन होंगे? तो उदय उमेश ललित। इसके साथ आपको मालूम होना चाहिए कि अपने देश के अंदर एक सर्वोच्च न्यायालय है जो कि नई दिल्ली में स्थित है। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के भाग 5 में किया गया है और इसका उल्लेख आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुल 33 न्यायाधीश हैं और एक जो है वो मुख्य न्यायाधीश है, यानी कि कुल 34 है जिसमें 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश है। तो इसको आपको ध्यान रखना है और नए चीफ जस्टिस होंगे उदय उमेश ललित। अगला प्रश्न है कि अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के स्पीकर नैन्सी पेलोसी चर्चा में रही, काफी अभी जो है एशिया में तहलका मचा हुआ है क्योंकि अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के जो स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी वो ताइवान यात्रा पर आए हुए थे और ताइवान यात्रा पर आए जैसे ही चीन ने बौखलाया और उसने जो है चीन ने अमेरिका को धमकी दिया कि आग से न खेलें। तो इसलिए अभी काफ़ी चर्चा में है नैन्सी पेलोसी। तो ये यात्रा किसका किए? तो ताइवान का। ध्यान रखना है ताइवान यात्रा पर ये आए हुए थे और जो है ये काफ़ी चर्चा में रह रहे हैं नैन्सी पेलोसी। तो ध्यान रखना है क्योंकि चाइना ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना के रूप में देखता है, वो ताइवान को एक देश के तौर पे नहीं देखता है, वो एक चाइना का पार्ट मानता है। लेकिन विभिन्न देश जो हैं वो ताइवान को एक देश मानता है। इसी के लेकर अमेरिका और चाइना जो है वो आमने सामने है और चाइना ने अमेरिका को धमकी तक दे दिया है, इसलिए काफ़ी चर्चा में आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सुरेश पटेल केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के अध्यक्ष, नए अध्यक्ष के रूप में सीवीसी के सुरेश पटेल होंगे। ध्यान रखिएगा। तो ये प्रश्न और ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप सभी को इस नियुक्ति को ध्यान रखना है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष सुरेश पटेल होंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो है वो स्थापना 2003 के एक्ट के तहत संघानन समिति के सिफारिश पर किया गया था। संघानन समिति के सिफारिश पर इसकी नियुक्ति किया गया था, स्थापना किया गया था 2003 में। इसका उद्देश्य है भ्रष्टाचार को रोकना। सतर्कता आयोग का उद्देश्य है। संजय कोठारी का स्थान लिए हैं सुरेश पटेल। ध्यान रखना है संजय कोठारी का स्थान लिए सुरेश पटेल। तो ये प्रश्न आप ध्यान रखेंगे। अगला है कि आदिपुरम महोत्सव आपका तमिलनाडु में यह महोत्सव मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा तमिलनाडु के अंदर ये महोत्सव मनाई जाती है आदिपुरम महोत्सव। वहाँ की एक महीना होता है आदि माह, उसी के आधार पर आदि महोत्सव मनाया जाता है जिसमें माँ लक्ष्मी को पूजा किया जाता है वहाँ। तो ध्यान रखना है। अगला है कि ओएनजीसी के अभी हेड जो है वो अलका मित्तल है, जो कि ओएनजीसी के पहली महिला हेड बने हैं ओएनजीसी के अलका मित्तल। ध्यान रखना है
तो एक ONGC पैरा खेल 2022 का उद्घाटन हरदीप सिंह पुरी, जो कि पेट्रोलियम मंत्री है, ध्यान रखना है पेट्रोलियम मंत्री है हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने कहां से उद्घाटन किया, तो नई दिल्ली से इसका उद्घाटन किया है, ध्यान रखना है आपको। ये फोर्थ संस्करण है और ये पैरा खेल 2022 जो है वो दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए इसका आयोजन होता है और नई दिल्ली में हुआ है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है कि MPX एक समुद्री साझेदारी अभ्यास है जो भारत और भारत प्लस फ्रांस के बीच आयोजित होता है, ध्यान रखिएगा। MPX समुद्री साझेदारी अभ्यास जो है वो भारत और फ्रांस के बीच हुआ, कहाँ पे इसका आयोजन किया गया, तो अटलांटिक महासागर में इसका आयोजन किया गया है ब्राजील के अंदर, और जिसमें भारत की तरफ से जो भाग लिया है वो INS तर्कस ने भाग लिया है, INS तर्कस ने MPX अभ्यास में भाग लिया है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न काफी चर्चा में रह रहा है, मंकी पॉक्स के निगरानी हेतु BK पॉल जो कि नीति आयोग के जो है वो सदस्य हैं, बीके पॉल इनकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित हुआ, तो ध्यान रखिएगा कि मंकी पॉक्स पे निगरानी रखने हेतु एक कमिटी गठित हुआ जिसके अध्यक्ष जो है वो बीके पॉल हैं, बीके पॉल ध्यान रखना है। इसका अगर हम बात करते हैं मंकी पॉक्स का, तो मंकी पॉक्स का जो है वो मामला भारत में सबसे पहले जो मौत का मामला आया था वो केरल के अंदर आया था, ध्यान रखिएगा केरल के अंदर पहला मौत का मामला आया। ये जूनॉटिक रोग होता है, मंकी पॉक्स जो है जूनॉटिक रोग यानी कि जानवर से इंसान के अंदर ये बीमारी फैल रहा है, ध्यान रखिएगा मंकी पॉक्स, और ये चेचक स्मॉल पॉक्स जो है वैसा रोग है मंकी पॉक्स, को ध्यान रखना है। तो बीके पॉल के अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित हुआ। अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं, तो उनके द्वारा युवा शक्ति योजना लाया गया है, इसमें 10 लाख ग्रामीण युवाओं को रोजगार देना है, 10 लाख ग्रामीण युवाओं को रोजगार देना है, जिसमें 5 लाख पुरुष होंगे और 5 लाख महिला होंगे, ध्यान रखना है 5 लाख पुरुष और 5 लाख महिला इसके अंदर होंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला और लास्ट प्रश्न है कि मनीषा रोपोटा चर्चा में है, ये पाकिस्तान के पहला हिंदू DSP नियुक्त हुए हैं, पाकिस्तान के फर्स्ट हिंदू DSP कौन बने, तो मनीषा रोपोटा, तो इसे चर्चा में रह रखा है इसलिए ध्यान रखेंगे। तो आज के जो भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स थे, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण थे, वो सारे प्रश्नों को मैंने यहाँ पर रखा है, आप सभी देखें और अपने तैयारी को बेहतर करते रहें और क्लास को शेयर अवश्य करें, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।